सत्ता की सेज पर बैठकर बड़ी बड़ी टींगे हाँक रहे थे बाबूजी। खुद ने अपने ही जुलूस में उड़ा दी कानून की धज्जियां। खुले में मांस अंडा बेचने से लेकर लाउड स्पीकर पर लगा दी रोक। अपने स्वागत के लिए पूरे शहर में लगवा डाले बड़े बड़े लाउड स्पीकर। शहर में उड़ती रही कानून की धज्जियां। सूबे के सरदार सीना चौड़ा करके घूमते रहे। लोगों ने भेज दिया बाबूजी का खर्रा। लोगों का हुजूम बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर। उस पोस्टर में लगा बड्डा सा ये चेहरा तो आप पहचान ही गए हो। हाँ, मध्य प्रदेश की नई सरकार, नाम मोहन यादव। पर्ची से निकला था नाम तो बन गए सूबे के सुल्तान। पहली फुर्सत में दिया था फरमान कि सुनो सुनो सुनो, सूबे में कहीं पर मांस तो मांस, अंडा भी खुले में बेचा नहीं जाएगा। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। तो सुना, अपने इस उवाज के साथ सीएम मोहन यादव ने एक और फरमान दिया था कि जितने भी लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पर लगे हुए हैं वो उतार दिए जाए। अब साहिब का आदेश आया है तो उतारे गए। मोहन यादव भी खुश हो। चलो, जो ज्ञान घूम घूम कर उच्च शिक्षा मंत्री बनकर बांटा करते थे, अब वही काम मुख्यमंत्री बनकर बांट रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके नाम के जयकारे खुद ही लाउड स्पीकर से सुनाई दिए, वैसे ही उछल पड़े। बताया गया कि उनके शहर उज्जैन में उनके भरपूर सम्मान के लिए उनके ही बनाए गए नियम को खूंटी पर टांग दिया गया। बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर जब अपने नाम के जयकारे सुने तो अपने ही बनाए कानून को सीएम दफ्तर के अंदर बनी एक पुरानी अलमारी में संभाल कर रख दिया। ये तो पक्के वाले मोदी शाह के लाडले निकले। मतलब विपक्ष के नेताओं के लिए ईडी और सीबीआई को दौड़ा देना, और जैसे ही वो नेता बीजेपी में आ जाए तो उसे सबसे ईमानदार घोषित कर देना। ऐसे ही जनता के लिए लाउड स्पीकर बैन है, लेकिन मध्य प्रदेश के नए सुल्तान का हो गुणगान तो सब जायज है। स्पेशल टेस्ट का कंटा।